ऑल राइट गाइज, बेसिकली आज टाइम आ चुका है यार फ्रेंड फंक्शन को सीखने का, और आज हम बात करेंगे सी प्लस प्लस के अंदर इसी के बारे में, इस टॉपिक के बारे में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ऐसी बात नहीं है कि ये एग्जाम के अंदर भी यार पूछा जा सकता है, और पूछा गया है गाइज। आप सी प्लस प्लस का पेपर देखोगे तो उसके अंदर डेफिनेटली इसकी मिल ही जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे होता क्या है। तो गाइज मैं बताऊँ ना फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। तो फ्रेंड फंक्शन एक किसी क्लास का सबसे पहले तो मेंबर फंक्शन नहीं होता है, लेकिन ये क्या कर सकता है, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड क्लास के जो जो मेंबर फंक्शंस होते हैं उसके प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड फंक्शंस को क्या कर सकता है, इजीली एक्सेस कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये क्लास का कोई मेंबर फंक्शंस नहीं होता है, ठीक है। ये बात आपको सबसे पहले क्लियर हो जानी चाहिए कि किसी क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है, लेकिन ये प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शंस को इजीली एक्सेस कर सकता है, गेट कर सकता है। अब कैसे कर सकता है वो तो हम जब प्रोग्राम बनाएंगे तो और बेटर तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिंपल आप डेफिनेशन समझे इसका। और गाइज आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैंने एक यहाँ पे नोटिस कर सकते हो फ्रेंड फंक्शन डॉट सी पी पी नाम से फाइल क्रिएट कर रखी है, तो मुझे फॉलो कर रहे हो तो यार आप लोग भी इसको क्रिएट कर लें सिंपल। मैं बिना टाइम वेस्ट के यहाँ पे कुछ कोडिंग करता हूँ और मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ इजिली फ्रेंड फंक्शन इजिली इसका प्रोग्राम होता क्या है। मैं यहाँ पे सिंपल इंक्लूड लिखता हूँ और यहाँ पे मैंने इंक्लूड लिखा, मेरे सामने बेसिक टेम्पलेट आ चुका है और ये सभी को पता है कैसे आया। अगर पता तो यार इस सीरीज़ को आप कंटिन्यूली क्या नहीं कर रहे हो, फॉलो नहीं कर रहे हो, तो यार आप इसको कंटिन्यू फॉलो करें। उसके अंदर मैंने बताया है कि यार आप कैसे कैसे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बता दूं आपको यूज़र स्निपेट्स पे जाना, सेटिंग्स पे क्लिक करके आपको यूज़र स्निपेट्स पे जाना है और यहाँ पे सिंपल सारी चीज़ें मैंने बताई है यार, आप ऐसे कर लोगे सिंपल, ठीक है। बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ें है। तो गाइस मैं सबसे पहले क्लास क्रिएट करता हूँ कॉम्प्लेक्स नाम से, और मैंने कॉम्प्लेक्स नाम से क्लास को क्रिएट कर लिया सिंपल, ठीक है, बढ़िया। अब ये कॉम्प्लेक्स नाम से मैंने क्लास को क्रिएट किया है, इसके अंदर मैं बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं इंटीजर ए ले लूँ एंड यहाँ पे मैं बी ले लूँ, अब इसका मतलब क्या है, मतलब गाइज ये बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी क्लास के अंदर आप डायरेक्टली ऐसे पास करते हो, इसका मतलब प्राइवेट ही होता, बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर प्राइवेट ही होता, आपको याद रखना है ये चीज़ें। तो यार मैं सिंपल यहाँ पे प्राइवेट लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट क्लास प्राइवेट ही मानेगी, तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे कन्फ्यूजन ना रहे कि प्राइवेट तो कहाँ है, ये प्राइवेट कहाँ पे एक्सेस कर लिया तो पब्लिक हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट आप जो भी डेटा टाइप इसके अंदर डिक्लेयर करते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, सिंपल प्राइवेट ही होता है, ठीक है। लेकिन मैं प्राइवेट लिख भी सकता हूँ, अब प्राइवेट मैंने लिखा और उसके अंदर मैंने दो पास कर दिए इंटीजर ए एंड बी, सिंपल, बढ़िया। इसके अंदर मैं चलता हूँ पब्लिक के अंदर मैं क्या डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे चल के मैं डिफाइन करता हूँ लाइक वॉइड सिंपली, और मुझे थोड़ा सेटिंग करनी पड़ेगी इसको, तो वॉइड सिंपली सेट डेटा, ठीक है। मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ सिंपली और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और इसके अंदर मैं कुछ पैरामीटर पास करता हूँ लाइक मैं इंटीजर एक्स लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे इंटीजर वाई लेता हूँ, सिंपल, बढ़िया, ठीक है। तो गाइज मैंने एक फंक्शन को डिफाइन किया और इसके अंदर मैंने कुछ पैरामीटर को पास किए हैं, सो होप कि ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसी के साथ साथ मैं करूँगा क्या, ए के अंदर मैं असाइन करूँगा जो मेरी एक्स की वैल्यू आएगी एंड वाई के अंदर मैं सिंपली असाइन करूँगा जो मेरी किसकी वैल्यू आएगी, सिंपली बी की, सॉरी बी के अंदर मैं असाइन करूँगा सिंपली जो मेरी वाई की वैल्यू आएगी, ठीक है, बढ़िया। अभी तक सारा डाउट आप लोगों को क्लियर है, चलो। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ एंड मैं यहाँ पे शो डेटा पास करूँ, एक सिंपल फंक्शन मैं बना दूँ यहाँ पे void show data नाम से, ठीक है, show data नाम से मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, इसके अंदर मैं सी आउट करता हूँ एंड मैं यहाँ पे सिंपली करूँगा क्या, यहाँ पे मैं पास करूँगा x वेल इज इतना और मैं x की वैल्यू प्रिंट करवा दूँगा एंड इसी के साथ साथ मैं y वेल इज प्रिंट y वेल इज और यहाँ पे मैं सिंपली वाई को भी प्रिंट करवा दूंगा, बढ़िया। तो गाइज ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए यार आप लोगों को, और बहुत ही सिंपल सा था मैंने आपको बताया। और राइट गाइज भी कन्फ्यूजन है, मैं यहाँ पे ए एंड यहाँ पे बी करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसकी दो वैल्यू प्रिंट करवाना है मुझे, ठीक है, और मैंने यहाँ पे बी कर दिया, चलो अब तो सही है। अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो कॉम्प्लेक्स नाम से क्लास है इसका मैं एक सिंपली ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और मैंने कॉम्प्लेक्स को क्रिएट कर दिया और इसका मैं एक सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ ओबीजे वन सिंपली, और इसी के साथ साथ मैं करूँगा क्या, ओबीजे वन डॉट अगर मैं यहाँ पे सेट डेटा करूँ, इसके अंदर मैं कुछ नंबर पुट कर दूँ 20 एंड 30, बढ़िया,
ठीक है। तो गाइज मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ यार, टोटल कर सकता हूँ यहाँ पे आपको, मैं टोटल दिखा सकता हूँ टोटल कितना नंबर होगा, टोटल वैल्यू इज, एंड मैं इसको हटा देता हूँ ठीक है, एंड मैं यहाँ पे हटा के सिंपली प्लस बी कर दूंगा यहाँ पे, और थोड़ा सा मैं इस टाइप को ऐसे कर दूंगा यहाँ से ठीक है, और मैं यहाँ पे एक एंडल भी पुट कर दूंगा ताकि यार मेरा आउटपुट आए वो क्लीन दिखे, सिंपल एंडल मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, बढ़िया ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो ओबीजे वन है इसके साथ साथ मैं कॉल करूँगा किसको, जो आपका शो डेटा वाला फंक्शन है इसको आप सिंपली कॉल करना है ठीक है। प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है इसके अंदर, बहुत ही सिंपल सा था और मुझे 20 एंड 30 का आउटपुट बेसिकली 50 आ जाएगा ठीक है। सो यार आप देख सकते हैं मेरे पास टोटल वैल्यू यहाँ पे 50 आ रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी। अब मैं काम करता हूँ उसको यहाँ से हटाता हूँ सिंपल ठीक है। अब देखना मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ ऊपर और ये मेरा प्रोग्राम है सिंपली। अब मैं इसके अंदर फ्रेंड फंक्शन को यूज़ करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, और मैं कैसे करूँगा देखो आपको मैं बताता हूँ सिंपल करना क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लास के अंदर आके हमको फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, डोंट वरी, आप एक काम करें यहाँ पे ये जो कोड है सिंपली टोटल वैल्यूज, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ गाइज, यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ सिंपल, जैसे पहले था एक्स की वैल्यू, एक्स वैल्यूज ए, एंड यहाँ पे मैं विद इंसर्शन ऑपरेटर बी वेल सिंपली इज, मैं यहाँ पे कोई कंकैटिनेशन नहीं कर रहा हूँ बेसिकली, एंड मैं यहाँ पे एंड पुट कर दूंगा ठीक है, और यहाँ पे मुझे इंसर्शन ऑपरेटर देना पड़ेगा। तो ठीक है यार सिंपल, मैंने इतना कंप्लीट कर दिया, सेव करता हूँ मैं, रिफ्रेश करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा सिंपली, सो गाइज मैं यहाँ पे आके सिंपल सबसे पहले डिफाइन करता हूँ, सॉरी डिक्लेयर करता हूँ फंक्शन को, फ्रेंड फंक्शन को। तो डिक्लेयर सिंपली DECEL, डिक्लेयर दी सिंपली, 1 सेकेंड, डिक्लेयर दी फ्रेंड फंक्शन सिंपल ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल गया एंड इसी के साथ साथ मैं करूँगा क्या, अगर आपको डिक्लेयर करना हो तो सिंपल आप लिखोगे क्या, फ्रेंड कीवर्ड आपको लिखना है सिंपली, फ्रेंड कीवर्ड देन आपको वॉइड, और उस फंक्शन का नाम आपको पास कर देना है, वॉइड फंक नाम से मैं एक सिंपल फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। डिक्लेयर आपको क्लास के अंदर ही करना है, डिफाइन आपको क्लास के आउटसाइड करना है ठीक है, ये आपको नोटिस करना है। और मैं सिंपली उस क्लास को यहाँ पे पास कर देता हूँ एज ए आप पैरामीटर, एज ए आर्ग्यूमेंट बोल सकते हो, मैंने कॉम्प्लेक्स यहाँ पे पास कर दिया, बढ़िया। मैं सबसे पहले बाहर आता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ डिफाइन करता हूँ, तो डिफाइन दी फ्रेंड फंक्शन सिंपल ठीक है। मैंने अब डिफाइन करना है मुझे यहाँ पे, तो गाइज आपको बार बार यहाँ पे फ्रेंड नहीं लिखना है, अब आपको सिंपली लिखना है वॉइड, और जो भी आपका फंक्शन का नाम है उसको आपको लिखना है सिंपली, और इसके अंदर मुझे क्या करना है कुछ इस टाइप से देखना। अब मुझे यहाँ पे सिंपल चलना है, यहाँ पे मैं जो भी मेरा कॉम्प्लेक्स है इसका मतलब ये जो मेरी क्लास है इसका, इसके अंदर मैं एज ए पैरामीटर इसमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ क्लास का, इस कॉम्प्लेक्स का, इस कॉम्प्लेक्स का मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, बढ़िया। मैं यहाँ पे चलता हूँ सी आउट, और मैं यहाँ पे करूँगा क्या, यहाँ पे मैं सिंपली ये करूँगा, यहाँ पर आगे मैं करूँगा ऐसा कि सम इज सिंपली, एंड इसी के साथ साथ मैं कर दूंगा यहाँ पे विद इंसर्शन ऑपरेटर, आप कर सकते हो सी डॉट, मतलब ये जो भी मेरा क्लास का ऑब्जेक्ट है सी डॉट ए ठीक है, एंड प्लस कर दो इसको सी डॉट सिंपली सी डॉट बी विद आपको इंसर्शन ऑपरेटर, एंड यहाँ आपको एंड पुट कर देना है, बढ़िया। तो यार ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, सी डॉट ए एंड सी डॉट मतलब जो भी मेरा आउटपुट आएगा वो इसके अंदर आएगा सिंपल ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इस फंक्शन को कॉल तो करना पड़ेगा ऑब्वियसली, हमने वैल्यू भी सेट कर दी है, अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो कॉल कैसे करेंगे गाइज, वो मामा आपको बताता हूँ, कॉल आप बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको एक काम करना है, जो भी आपका फंक्शन है उसको आप ऐसे लिख दो, जो भी उस फंक्शन का नाम है उसको आप लिखें, एंड इसी के साथ साथ आपका जो भी ऑब्जेक्ट है लाइक सी सॉरी जो भी आपका ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट वन उसको आप यहाँ पे पास करें, ऑब्जेक्ट वन है उसको आप पास करें यहाँ पे, और फिर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा। तो अब क्या होगा, अब मेरे पास क्या आएगा, सम इज 20 एंड 30 का जो भी प्लस होता है लाइक 50, सम इज 50 मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आएगा, और मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, और आप नोटिस करना है यहाँ पे मेरा प्रोग्राम चलता है ठीक है। तो यार नोटिस कर सकते हो मेरे पास में सम इज 50 बेसिकली आ रहा है ठीक है,
और गाइज ये आपका सिंपल फ्रेंड फंक्शन होता है, मैं फिर भी आपको इसके बारे में एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से। तो गाइज देखो, सबसे पहले हमने एक क्लास को क्रिएट किया लाइक कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर हमने इंटीजर ए एंड बी यहाँ पे डेटा टाइप लिया है। अभी प्राइवेट आप ना लिखो तो भी चलेगा, मैं आपको एक काम करता हूँ, ये नहीं लिखता हूँ तो भी ये चलेगा, देखना अब ये चलेगा पानी की तरह चलेगा बिल्कुल। प्रोग्राम मैंने रन किया और नोटिस कर रहा मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है, यहाँ पे मुझे अगेन दिखेगा यार सम इज 50, ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोगों को नोटिस कर सकते हो मेरे पास सम इज 50 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि आप प्राइवेट लिखो या ना लिखो, अगर आप डेटा टाइप इसके अंदर डिक्लेयर कर देते हो तो बेसिकली होता क्या है कि बाई डिफॉल्ट आपकी क्लास उसको प्राइवेट मान लेती है, ठीक है वो प्राइवेट बाई डिफॉल्ट हो जाता है क्लास के अंदर, ये तो आपको पता नहीं था तो मैंने बता दिया यार, और बेसिकली पता भी होगा कुछ कईयों को तो, ठीक है। पब्लिक के अंदर मैंने क्या किया, बेसिकली दो फंक्शन को डिफाइन किया है, एक मेरा फंक्शन है यहाँ पे सिंपली वॉइड सेट डेटा और एक है वॉइड शो डेटा। वॉइड सेट डेटा के अंदर मैंने क्या किया है, इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई दो बेसिकली एज ए पैरामीटर पास किया मैंने, ए के अंदर वो वैल्यू असाइन करेंगे जो एक्स की होगी, अब एक्स की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर रहे हैं और वाई की वैल्यू जो होगी वो बी के अंदर असाइन करेंगे, और वाई की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर रहे हैं जब ऑब्जेक्ट को हम बना रहे हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर ही इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तब हम एज ए आर्ग्यूमेंट इसके अंदर ये चीज़ पास कर रहे हैं, ठीक है। स्टोर डेटा के अंदर क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं, ए एंड बी की वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, बढ़िया। अब हम क्या कर रहे हैं, सिंपली अगर आपको फ्रेंड फंक्शन के साथ डील करना है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे सिंपल करोगे फ्रेंड कीवर्ड लिखना है, और आपको फ्रेंड कीवर्ड लिखना ही पड़ेगा गाइज, आपको डिक्लेरेशन करते हो इस टाइम, ठीक है सिंपल आपको मैं बताऊँगा यार सारी चीज़ें, और अभी मैं करूँगा क्या इसके अंदर सिंपली। हाँ, तो फ्रेंड एंड वर्ड फंक्शन कॉम्प्लेक्स एज ए मैंने पैरामीटर इसके अंदर पास किया, कॉम्प्लेक्स जो मेरी क्लास है सिंपली इसको मैंने एज ए इसके अंदर पैरामीटर पास किया फ्रेंड फंक्शन के अंदर, और वर्ड तो आपको पता ही है बेसिकली आप फंक्शन को डिफाइन करते हो तो आपको लिखना पड़ता है, और बस इसको मैंने डिक्लेयर कर दिया। डिफाइन आपको आउटसेट करना है सिंपल क्लास के, तभी ये काम करेगा। और ये जो कॉम्प्लेक्स सी है इसका मैंने एक सिंपल ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर मैं सी आउट मतलब कंसोल आउटपुट करा रहा हूँ, सम इज सी डॉट ए एंड सी डॉट बी प्लस इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और इसको मैं एज ए ऑब्जेक्ट वन को मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल करते समय एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ नॉट पैरामीटर। बस इसको मैंने जैसे यहाँ पे सेव किया, कोड को रन किया, तो मेरे पास यहाँ पे कम्प्लीटली आउटपुट आ रहा है सम इज 50 परफेक्टली। तो गाइज बेसिकली आई होप आपको फ्रेंड फंक्शन समझ में आ गया होगा, और आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज। सो बेसिकली आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गाइज थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।